हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमने टॉपिक पढ़ा है उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, अवकल समीकरण मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन d2y dx2 प्लस वाई बराबर 0 की कोटि और घात क्या है। कोटि का मतलब ऑर्डर और घात का मतलब डिग्री। ठीक है, तो देखिए, आपने पढ़ा था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री यानी कि कोटि और घात से क्या मतलब है कि किसी भी इक्वेशन में प्रेजेंट हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है उसका ऑर्डर इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है और उसकी डिग्री इक्वेशन की डिग्री कहलाती है, जबकि डेरिवेटिव्स के ऊपर कोई भी करने का चिन्ह नहीं हो, रेडिकल साइन नहीं हो। तो उस हिसाब से देखिए आप, हमारी ये जो इक्वेशन है, इसकी ये इक्वेशन है, इसका ऑर्डर होना चाहिए 2, क्योंकि इसमें सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है और इसकी इस पर जो डिग्री है वो लगी हुई है 1। तो 2 ऑर्डर और 1 डिग्री, ये इसका सही आंसर होगा। दूसरी है डिफरेंशियल इक्वेशन d2y dx2 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर होल रेज टू 3/2। अब देखिए, इसमें ऑर्डर तो हो जाएगा इक्वेशन का 2, बट डिग्री निकालने के लिए हमको डेरिवेटिव्स पर से रेडिकल साइन हटाना पड़ेगा। इसके लिए हम दोनों ओर क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों ओर होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ आपका क्यूब रह जाएगा, तो ये पावर आपकी जो रेडिकल साइन है वो हट जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो पावर है वो p/q की फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, उसे हमें हटाना है। तो दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो पावर क्यूब रह जाएगी, तो इधर d2y dx2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर 2 और इसकी डिग्री भी 2, ये इसका सही आंसर होगा। तीसरी है, यही इक्वेशन है, इसमें भी ऑर्डर डिग्री निकालनी है। तो इसमें देखिए आप, इसमें ये डेरिवेटिव्स के ऊपर भी रेडिकल साइन लगा हुआ है, पावर हाफ है ये, तो इस हाफ पावर को हमें हटाना पड़ेगा। इसके लिए आप इसको उधर ले जाओगे, देन इसका होल स्क्वायर करोगे, पावर हाफ हो जाएगी। तो लेकिन इसमें कहीं d2y dx2 प्रेजेंट नहीं है, तो इसका ऑर्डर तो 1 है ही, लेकिन dy/dx पर जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 2। जब आप इसका दोनों तरफ वर्ग करके अंडर रूट का साइन हटा दोगे तो डेरिवेटिव पर होल स्क्वायर आ जाएगा, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2 और इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह इसे देखिए, इसको भी हम डेरिवेटिव के ऊपर रेडिकल साइन लगा हुआ है क्योंकि, इसलिए दोनों तरफ इसका होल स्क्वायर करेंगे फिर इसकी ऑर्डर डिग्री निकालेंगे, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और इसके ऊपर भी पावर लग जाएगी 2, तो इसकी हो जाएगी डिग्री 2, तो ये इसका सही आंसर है। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद अगला सवाल है हमारा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका समाकलन गुणांक निकालिए। समाकलन गुणांक का मतलब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम जानते हैं कि ये इक्वेशन कैसी है हमारी, लीनियर, और लीनियर इक्वेशन क्या होती है, dy/dx + py = q फॉर्म की होती है। यहाँ पे p क्या है हमारा, y को कोफिशिएंट tan x, ठीक है। तो if होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो p है tan x, तो e^(tan x dx), तो इंटीग्रेशन tan x होता है log sec x, और हम जानते हैं e की पावर log sec x बराबर sec x होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो। इसी तरह से ये भी एक इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कहते हैं इसका if निकालिए। तो इसका जो गुणांक आप 1 बनाओगे d/dx का, तो -2/y का कोफिशियंट हो जाएगा, सॉरी -2/x, x डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, तो -2/x, तो -2/x को हम कहाँ कर देंगे, e की पावर पर रेज करके उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो -2log x आ जाएगा, ठीक है, या log x की पावर -2 या 1/x2। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, e की पावर log x इज 1/x। यहाँ पर जो आप if कैलकुलेट करोगे ना, इसका if ही हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन -2/x, ठीक है, और ये हो जाएगा e की पावर -2log x, ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर log 1/x2, और e की पावर log 1/x2 होते ही आपको क्या दे देगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1/x2, क्योंकि e की पावर log x इज
एक्स, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो एग्जैक्ट होती है यदि, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये अपन सब जानते हैं, ये है डेल एम अपॉन डेल वाई, डी एक्स के कोफिशियंट का पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई और डी वाई के कोफिशियंट का पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन करें और ये दोनों बराबर हों, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाती है। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप अगला सवाल, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालिए डी टू वाई, ये हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है आपकी, इनका सोल्यूशन निकालने के लिए अपन जानते हैं क्या करते हैं, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी एम स्क्वायर पाँच एम प्लस चार, इसके रूट्स निकालोगे तो आएगा एम बराबर माइनस एक माइनस चार, इसलिए ये इसका सोल्यूशन आएगा सी वन ई की पावर एम वन एक्स सी टू ई की पावर एम टू एक्स, क्योंकि एम की क्या वैल्यूज आएंगी माइनस एक माइनस चार। इसी तरह से ये देखिए ये अगला सवाल है, इसमें भी हमको क्या करना है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है हायर ऑर्डर की, तो इसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल इसी तरह से निकालेंगे जैसे हमने इसका निकाला, तो इसको आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के इसके रूट्स निकालेंगे, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी एम स्क्वायर माइनस दो एम प्लस एक बराबर जीरो, और जब आप इसके रूट्स निकालोगे तो एम बराबर वन वन, तो इक्वल रूट्स आएंगे यहाँ, तो इक्वल रूट्स आने के लिए अपन जानते हैं कैसे कॉन्स्टेंट लगते हैं, तो सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर एम एक्स, तो एम हमारे क्या है यहाँ पर कॉमन रूट क्या है वो प्लस वन, क्योंकि एम माइनस वन का होल स्क्वायर बनेगा, तो एम बराबर वन एंड वन, यहाँ पर हमारे एम की क्या वैल्यूज आएंगे एम बराबर वन एंड वन, ठीक है, और यहाँ पर हमारे एम की क्या वैल्यूज आएंगे, यहाँ हमारे एम की वैल्यूज आएंगी माइनस एक माइनस चार, इसलिए हमारा ये सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, अगले लेक्चर में हम आपको और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक यू।